चौबीसों घंटे अलर्ट रहना चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारी छोटी सी भी गलती हमें महंगी पड़ सकती है। अगर हमने अपना प्लान प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो फिर बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। आओ ना, आओ आओ। हम लोग तो बस, मैं किंचू जी से ये कह रहा था एक्चुअली कि शालिनी जी को कुछ काम वगैरह दिला दे, फिलहाल कोई जॉब नहीं ना इनके पास। और किंचू जी से बेटर अपॉर्चुनिटी और कौन दे सकता है ना? क्या तुम ये बात भी जानती हो कि ऑनर भी शालिनी को जानता? इनफैक्ट सिर्फ शालिनी नहीं, ऑनर और किंचू भी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और यही बात ऑनर तुमसे छुपा रहा है। मैं नहीं जानता कि शालिनी तुम्हारे घर में क्यों रह रही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका और ऑनर का पास से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है, जो कि वो तुमसे छुपा रहा है। कैसी हो पूर्वी तुम? मैं ठीक। ऑनर ना बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए ऑनर ने मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया। और शालिनी तुम ना एक काम करना, कल मेरे ऑफिस आ जाना अपना सीवी लेके, फिर देखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ठीक है मैम। आपकी रेफरेंस से अगर शालिनी को जॉब मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहां तो क्या थी। सर ये रिपोर्ट, मैंने उनका ईसीजी चेक कर लिया है, आप देख लीजिए। सिस्टर क्या हुआ? अर्चना जी की पल्स ऊपर नीचे हो रही है, बाकी सब ठीक है। गौरी यहाँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अर्जू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। घंटे अलर्ट रहना चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारी छोटी सी भी गलती हमें महंगी पड़ सकती है। अगर हमने अपना प्लान प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो फिर बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। मिस्टी क्या हुआ, तुम इतनी डिस्टर्ब लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अब मिस्टी मैं सोच रहा था कि शालिनी को यहाँ पर आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, आई थिंक उसे चले जाना चाहिए। और मैंने किंचुक जी को भी इसलिए बुलाया था यहाँ पर ताकि उसे कोई काम दिला दे और कहीं रहने की जगह दिला दे। ऑनर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ऑनर आप हमेशा से दूसरों की मदद करते आए हैं, तो फिर आज अचानक आप अपनी सोच के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? मतलब शालिनी जी आप उनको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, जबकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ऑनर आप इतना बदल कैसे सकते हैं? आप पहले आप ऐसे नहीं थे। नहीं मिस्टी, मैं वही ऑनर हूँ। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि शालिनी जी के पास कोई काम नहीं है और कोई रहने की जगह नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि... एक सेकंड। हाँ सोहम दादा। पूर्वी हम जानते हैं कि तू ससुरे मानव देशमुख की वजह से यहाँ नहीं आ रही, और हम ये भी जानते हैं कि तू वहाँ बैठे बैठे परेशान हो रही है आई के लिए, तो परेशानी छोड़ और यहाँ आ जा। तोरे को छोड़ के सब है यहाँ, चला जा। नहीं दादा मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती। अरे काहे नहीं आ सकती, अर्चना आई तोरी भी आई है पूर्वी, उको तोरी जरूरत है, और ये लगन कोनो नहीं होते तोरे को रोकने वाले, तू बस आ जा। ठीक है दादा, थैंक्स मुझे बताने के लिए, मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ, बाय। ऑनर? हाँ ऑनर, वो हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा, सोहम दादा का फोन आया था, चले।
अभी मैं अभी नहीं आ पाऊंगा मिस्टी, तुम चली जाओ। आप मेरे साथ नहीं आएंगे? ये परी को तो अकेला नहीं छोड़ सकता ना घर पे, तो किसी ना किसी को तो परी के साथ रहना पड़ेगा, तो इसलिए तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं परी का ख्याल रखता हूँ। ऑनर ठीक कह रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए, परी की चिंता मत करो, ऑनर के साथ मैं हूं ना यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। और तुम्हारी आई की सेहत का सवाल है, तुम्हें जाना चाहिए। और मिस्टर ऑनर, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नहीं, मैं परी के साथ रहूंगा, तुम जाओ मिस्टी। तो ठीक है, मैं होके आती हूँ। ओके। जब से आई हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तब से ऑनर एक बार भी उसे देखने नहीं गए, और आज तो आई पर इतना क्रूशियल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, फिर भी नहीं। पहले तो ऑनर ऐसे नहीं थे। सब ठीक तो है? हाँ सर, तक तो सब ठीक है। एक्सपेरिमेंट का टाइम खत्म होने में बस 2 घंटे बाकी है। आई होप फाइनली सब कुछ ठीक हो जाए। वर्षा, आई एम सॉरी, मुझे ताई की बहुत चिंता हो रही थी, मैं यहाँ आने से अपने आप को रोक ही नहीं पाई। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं जानती हूँ मेरा यहाँ आना किसी को पसंद नहीं है, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। समझ में नहीं आ रहा है तेरे साथ कैसे बर्ताव करूं, कभी लगता है कि तू बदल गई, कभी लगता है कि तू अभी भी हमारे भावनाओं के साथ खेल रही है। कुछ समझ में नहीं आई। एक बात कहूं, ये वक्त इन सब चीजों के बारे में सोचने का नहीं है, तू अभी सिर्फ अर्चुताई के बारे में सोच। आई देखना, वो डॉक्टर टेंशन में क्यों लग रहा है, क्या बता रहे, आई जाकर देखना प्लीज। हाँ। क्या हुआ माना, सब ठीक तो है ना? पता नहीं आई, डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं अभी तक। पूर्वी, गौरी मेरे साथ आ। गौरी सुन, आई आई कैसी है? पूर्वी अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बताना था? पूर्वी बोल ना गौरी, क्या बताना था? मैंने तुझे डॉक्टर अग्रवाल की पेशेंट मरियम के बारे में बताया था ना? हाँ, क्यों? उसके ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। She is no more. और अब हम वही एक्सपेरिमेंट तेरी आई पे करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा कि नहीं। गौरी, ये तो क्या बोल रही है? तो चाहती है ना मेरी आई तो जिंदगी और मौत से लड़ रही है तो? पूर्वी रिलैक्स, ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हमेशा नाकामयाब हो। गौरी तू नहीं जानती, मैंने पापा को कितनी मुश्किल से एक्सपेरिमेंट के लिए मनाया था। डॉक्टर गौरी, डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की पल्स धीमी होती जा रही है। क्या हुआ डॉक्टर? आई कांट टेल यू एनीथिंग राइट नाउ, प्लीज लेट मी गो। डॉक्टर, यू कांट गो इनसाइड मिस्टर देशमुख, अब यहीं रुकिए। तो आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे?
बताइए ना क्या हुआ, सब ठीक है ना? देखिए डॉक्टर, आपने मुझसे कहा था कि एक्सपेरिमेंट का टाइम लिमिट 72 घंटे, 72 घंटे बीत चुके हैं। आपने कहा था उसके बाद अर्चना रिएक्ट करेगी, मुझे बताइए अर्चना ने रिएक्ट किया कि नहीं? लेट मी चेक मिस्टर दिशा, प्लीज आई गेट बैक टू यू। अर्चना जी, मिसेस देशमुख आगे खोलिए। डॉक्टर, मिसेस देशमुख आई नो कैन हियर मी। मिसेस देशमुख देखिए आपकी फैमिली यहां पर मौजूद है। मिसेस देशमुख नर्स पल्स चेक करो। सर पल्स रेट गिर रही है। मिसेस देशमुख डॉक्टर वरी 80 प्लीज पास। Do it again. डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर क्या हुआ? मिस्टर देशमुख, मैं अर्चना जी को बचा नहीं पाया। डॉक्टर नहीं, मेरी अर्चना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं हो सकता ऐसा, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी अर्चना, अर्चना I'm sorry सर, हमने पूरी कोशिश करी। एक्चुअली हमें ये एक्सपेरिमेंट तभी रोक देना चाहिए था जब हमें मरियम की डेथ की खबर मिली थी। मरियम की मौत? हाँ, मरियम की मौत हो चुकी है।
उस पे हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, फिर भी हमने अर्चना जी पे एक्सपेरिमेंट जारी रखा इस उम्मीद से कि शायद अर्चना जी पे ये एक्सपेरिमेंट जरूर कामयाब होगा। इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई तुमने हमसे? तुम लोगों को पता था कि ये एक्सपेरिमेंट नाकामयाब होगा, तभी भी तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट जारी रखा, क्यों? डॉक्टर, आपको पता था ना कि अर्चना का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, मरियम की तरह वो भी? आपको पता था या नहीं? तो फिर आप इस तरह मेरी पत्नी की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हैं? मैंने आप पर इतना भरोसा किया, पेपर साइन किए थे मैंने, आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप उसे बचा लेंगे। यकीन दिलाया था ना आपने मुझे, तो फिर उसके ट्रीटमेंट में इतनी लापरवाही क्यों हुई? जब आपको पता चला कि आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, तब आपने ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं रोका, इसे आगे क्यों बढ़ाया? जवाब दीजिए, चुप क्यों खड़े हैं अभी? I'm sorry, Satish. Sorry? अरे, आपके सॉरी कहने से मेरी अर्चना वापस नहीं आएगी। खो दिया मैंने उसे, खो दिया मैंने उसे। मेरी अर्चना मुझे छोड़कर चले गई आए, आए किस्मत के साथ मेरी इस लड़ाई में मैं हार गया, आए मैं हार गया। रोमन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मान लूंगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगी? कभी नहीं। अर्चना, अर्चना प्लीज आंखें खोलो, अर्चना मेरे पास वापस आओ। अर्चना देखो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अर्चना तुम मेरी उम्मीद नहीं तोड़ सकती। अर्चना प्लीज वापस आओ। अर्चना पूर्वी, पूर्वी कहो ना इससे कि आंखें खोले, जाग जाए। तुम्ही ने मुझसे पेपर साइन करवाए थे ना, कन्विंस किया था ना मुझे? क्या कहा था तुमने मुझसे, पॉजिटिव रहूं? कहां है तुम्हारी पॉजिटिविटी? कहां है? बोलो ना इसे। किस बात की दुआई दी थी तुमने मुझे? पवित्र रिश्ता? ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, कोई चीज नहीं है। अगर होती तो आज मेरी अर्चना मेरे पास होती, पापा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये रिश्ता अभिशाप बन गया मेरे लिए, अकेला हो गया हूं मैं। अर्चना, तुम भी हमारे रिश्ते को पवित्र रिश्ता कहती थी ना? देखो अर्चना, अगर
आज भी तुम उस बात पर कायम हो तो तुम्हें सबूत देना होगा। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी अर्चना। अर्चना तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। अर्चना अर्चना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अर्चना अगर तुम वापस नहीं आ सकती तो मुझे भी अपने साथ ले चलो।